एक बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट हुआ था जो कि हम सब जानते हैं। पंजाबी के मशहूर सिंगर थे जिनका इंटरनेशनल फेम भी था, शुभदीप सिंह, जिनको पॉपुलरली सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना जाता था। तो उनकी एक बहुत ही प्रेजेंट किलिंग हुई थी और जवाहर के विलेज जो कि डिस्ट्रिक्ट मानसा एरिया में आता है, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशल सेल लगातार बड़े केसेस पे, जहाँ पे हमें लगता है कि इंटरस्टेट रेमिफिकेशन हो सकती हैं, वहाँ पे काम करता आया है। उसी टाइम जब हमारे ध्यान में ये और नोटिस में चीज़ आई कि इस तरीके से ये किलिंग हुई है और उसके वीडियोस वायरल हुए, स्पेशल सेल की मल्टीपल टीम्स ने उसी टाइम से इस पे काम करना शुरू कर दिया। और जैसा कि पहले हम लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सारा शेयर कर चुके हैं, तो काफ़ी एक्सटेंसिव एफर्ट के बाद फर्स्ट ब्रेक थ्रू हुई थी, जिसमें कि एक्चुअल शूटर पकड़े गए। शूटर से पहले मास्टरमाइंड को ऑलरेडी स्पेशल सेल ने अरेस्ट किया था, ऑलरेडी वो एक मोहरा केस में अरेस्टेड था और उसने अपना रोल एज अ मास्टरमाइंड कन्फेस कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो मेन एफर्ट था स्पेशल सेल का, मास्टरमाइंड पता चलने के बाद और इसकी इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी पता चलने के बाद, था कि जो एक्चुअल शूटर्स हैं, जो सीन ऑफ क्राइम पे गए हैं, जिन्होंने एक्चुअल फायरिंग करी है और शुभदीप सिद्धू को गोली मारी है, उनको पकड़ा जाए। तो फर्स्ट जो हमारी ब्रेक थ्रू थी 19 जून को, उसमें हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम ने अंडर सुपरविजन ऑफ प्रमोद कुशवाहा DCP और हमारे ACSP विजय भूषण और नेगी एंड बाकी सारी जो न्यू दिल्ली रेंज की टीम थी, इन्होंने प्रियव्रत फौजी को अरेस्ट किया, कशिश कुलदीप को अरेस्ट किया और तीसरा केशव, जिसने सारी रैकेट करी थी, शूटर्स को ट्रांसपोर्ट किया था, उसको अरेस्ट किया। उनकी अरेस्ट के बाद भी हमारी टीम लगातार इस केस पे मेहनत करती रही और हमारी टीम्स को ये था कि जल्द से जल्द जो भी बाकी चार शूटर नहीं पकड़े गए और जो लोग इनको मेन शरण दे रहे थे, इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे थे, इनको हाइड आउट्स प्रोवाइड कर रहे थे, इनके वेपन संभाल रहे थे, इनको गाड़ियां दे रहे थे, उन पे भी एक्शन किया जाए। उसी के चलते कल देर रात तकरीबन 11 बजे के आसपास हमारी टीम, जो कि लगातार 6 स्टेट में इनके पीछे लगी थी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, इन सारी जगहों पे एक दो बार हमारी टीम ने इनको मिस भी किया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना एफर्ट नहीं छोड़ा और पीछा करते रहे। जो भी लीड मिलती रही उसको बड़ा डिलीजेंटली डेवलप किया और कल रात तकरीबन 11 बजे जब ISP अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ दी मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया, जो उसका साथी था सचिन भिवानी, इसको भी इसके साथ अरेस्ट किया गया। सचिन भिवानी ने इनको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करी। वारदात से पहले ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई, तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद दोशा में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं, उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई उसमें सचिन भिवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। तो इनके साथ दीपक मुंडी भी था, जो कि अभी ऑन द रन है, एब्सकॉन्डिंग है, जो कि चौथा शूटर है, और उसके अलावा दो शूटर्स का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, एक मनप्रीत माडू करके है जो कि मोगा डिस्ट्रिक्ट का है पंजाब में, और छठा शूटर जो है वो जगरू रूपा है, वो तरन तारण का है। तो इस तरीके से स्पेशल सेल लगातार इस पे काम कर रहा है, जैसे कि
ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स पे, सिंडिकेट्स पे, एंटी टेरर परस्पेक्टिव से स्पेशल सेल हमेशा काम करता आया है और स्पेशल सेल का हमेशा यही फोकस रहा है कि जो लोग भी ऐसी बड़ी वारदात में शामिल होते हैं जिसकी इंटरस्टेट रेमिफिकेशंस हैं, जिससे फ्यूचर में दिल्ली में भी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है दुर्घटना, तो स्पेशल सेल का यही टास्क होता है कि हमारी ये तमाम कोशिश रहे कि जो चीज़ कहीं और हुई है उसको राजधानी में होने से फ्यूचर में प्रिवेंट किया जा सके। तो हमारी सारी टीम ने, स्पेशल सेल टीम ने, नॉट ओनली न्यू दिल्ली रेंज बट बाकी रेंजेस भी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, नदर रेंज, सदर रेंज, CI, साउथ वेस्ट, इन सब ने भी बहुत अच्छा काम किया, इसमें काफ़ी ग्राउंड वर्क किया और बहुत अच्छा एक ज्वाइंट एफर्ट रहा। और ये चीज़ भी हम बताना चाहेंगे कि हमने नेबरिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, तमाम इनपुट्स हमने बड़े टाइमली शेयर किए, उनसे भी हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिला है और ये एक ज्वाइंट एफर्ट है जिससे कि ये जो शूटर्स थे जिन्होंने इतनी प्लानिंग से सारी वारदात को अंजाम दिया था और इनको, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कि फ़ौरन से डायरेक्शन आ रही थी और गोल्डी ब्राड का हमने पहले ही बताया है कि एक दिन पहले भी उसकी कॉल आई थी 28 तारीख को, जब इनको बोला गया कि कल ये वारदात को अंजाम देना है। फिर वारदात के दिन इनको तकरीबन 4 बजे इंसीडेंट से ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे पहले कॉल आई और इन्हें बताया कि उनका जो दरवाज़ा है उसको, बड़ा दरवाज़ा था उनके घर का, वो खुल गया है और कभी भी इनकी मूवमेंट हो सकती है। और बाद में जब मूवमेंट हुई तब भी इंटरनेशनल कॉल आती है दोनों मॉड्यूल्स को, शूटर्स को, कि आप मूव इन करो, इस टाइम वो अकेले जा रहे हैं और उनके साथ दो दोस्त हैं और कोई भी गनमैन नहीं है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, वारदात के बाद प्रियव्रत फौजी जो बलेरो मॉड्यूल का हेड था, ये कॉल करके बताता है कि इन्होंने जो काम इनको सौंपा गया था इन्होंने पूरा कर दिया है। करोला का मॉड्यूल हेड ने क्या बताया ये हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि वो अलग चले गए थे, लेकिन जो वारदात से पहले का था जिसमें गोल्डी ब्राड ने दोनों मॉड्यूल से बात करी, वो चीज़ हम ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं। सर जिस इतिहास से उन्होंने सारी गलती किया वो तीसरे जो नहीं, वो हमने पहले भी बताया था कि वो जो पूरा वेपन यूज़ हुए हैं वारदात में, वो इन्होंने क्योंकि बहुत एलेबोरेट प्लानिंग करी थी, तो वारदात के 2 दिन बाद 1 जून को वो वेपन एक आदमी इनसे अलग लेके गया है। वो इससे ज़्यादा डिटेल हम आपसे नहीं शेयर कर पाएंगे, हमारी टीम जिस पर भी काम कर रही है। सर क्या फतेहाबाद के सावरिया होटल में ये उसी की जगह पर आप सावरिया होटल में ठहरे थे, आपकी नॉलेज करेक्ट है, लेकिन उसकी ब्रेकअप हम आपको अभी शेयर नहीं करना चाहते। सचिन कहाँ कहाँ मोहन चाहते ले गए, क्योंकि 4 शूटरों को इसने बना दी थी, आप 4 शूटरों को बना दी थी, तो फतेहाबाद रुके, तोशम रुके, किलानी रुके, कच्छ रुके, मध्य प्रदेश रुके, बिलासपुर एरिया मूवमेंट हुई, यूपी रुके, झारखंड रुके, यू नो तमाम, मतलब NCR में भी इनकी मूवमेंट हुई, हरियाणा, उसके बाद दोबारा फिर मूवमेंट हुई, तो ये ऑन द रन रहे हैं। तो 29 मई को इंसिडेंट हुआ था और कल 3 जुलाई थी, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले तकरीबन 34-35 दिन में इन्होंने 34-35 ही शायद लोकेशंस बदली, एक जगह में 1 या 2 दिन से ज़्यादा ये बिल्कुल नहीं रहते थे, क्योंकि इनको पता था कि इनको मल्टीपल टीम्स इनके पीछे हैं, तो ये काफ़ी इन्होंने जो कर सकते थे बचने के लिए इन्होंने किया। अंकित फौजी के साथ गुजरात तक गया था, अंकित गया था, हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रियव्रत फौजी जो था ये बिना मास्क के, ये 2 से लेके 7 तारीख तक जून को ये गुजरात कच्छ एरिया में रुके। तो प्रियव्रत फौजी जो था ये बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिया, वैसे तो इसने अपनी दाढ़ी जो थी, जो उसकी फ़ोटो में सर्कुलेट फ़ोटो हुई थी, वो काफ़ी उसको क्लोज कट करवा लिया था हुलिया चेंज करने के लिए, लेकिन क्योंकि इसके बाकी सारे साथी काफ़ी इस
चीज़ से डरे हुए थे कि किसकी गलती के कारण वो भी पकड़े जाएंगे। तो जो दीपक मुंडी था और ये अंकित सिरसा था, ये अलग हो गए। कपिल पंडित अलग हो गया, सचिन निवानी अलग हो गया। वो जो आप पूछ रहे थे उसमें तो बड़े बार इन्होंने कॉम्बिनेशन चेंज किया, कभी कोई किसी की हाई डाउन पे आ जाता था, कोई कहीं चला जाता था। मतलब ये तो अगर ये बताने लग गए तो फिर 15 मिनट इसी के लिए चाहिए। सर, पंजाब पुलिस की वर्दी भी इनके पास थी, तो क्या वो भी इनके प्लान में था कि बचने के लिए एस्केप रूट इस वर्दी को पहन के इस्तेमाल करना था? वर्दी का इनका एस्केप रूट कम था लेकिन वारदात के लिए ज्यादा था, पर क्योंकि इन्होंने वर्दी प्रक्योर कर ली थी तो वर्दी डिस्पोज नहीं करी। इन्हें लगा कि शायद किसी स्टेज पे कहीं कैमोफ्लाज करने के लिए अगर इनको वर्दी पहन के निकलना पड़े तो ये पहन के निकल सके। अच्छा पॉइंट आपका कि वर्दी इतनी देर क्यों रखी हुई, तो उसका यही वजह थी कि इन्हें लगा कि इतनी मेहनत से वर्दी प्रक्योर करी है और वर्दी इनको फिट भी आ रही थी और इनको लग रहा था कि जैसे कभी कोई बहुत ही टीम इनके पास पहुंच जाती है या कोई ऐसा मौका आ जाता है कि वर्दी पहन के एस्केप करना पड़े, तो वो भी इनके प्लान में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से दूसरी एजेंसी जो है हरी नाम की सर्च को AK-47 वहाँ से भेजा गया, कब छपे हुए यहाँ पे हुआ तो अभी तक आपको किसी विषय में? नहीं, अभी AK-47 का कोई डेफिनेट सोर्स सामने नहीं आया। हमारे पास कुछ चीज़ें डेरिवेशन में सामने आई हैं लेकिन अगर हम आपको ये ऐसा उस स्टेज पे नहीं पहुंची है कि हम आपको ये बता सकें कि किसी जगह से AK-47 प्रोक्योर करी गई। अंकित काफ़ी डेस्परेट था, ये यंगेस्ट है, इसकी उम्र तकरीबन 18.5 साल है, तो ये दोनों हाथों से इसने वेपन पकड़ के फ़ोटो वगैरह अपनी खींचवा रखी हैं। एक वो बुलेट्स को ग्राउंड पे रख के मूसे वाला लिख के इसने फ़ोटो भी खिंचवाई हुई है। अप्रैल के महीने इसने 2 वारदातें करी हैं लॉरेंस बिश्नोई के भाई के कहने पे, 2 जगह फायरिंग करी है, तो वो चीज़ें अभी हम आगे उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, कौन सा गैंग है जी? गैंग कौन सा है? क्योंकि अलग अलग गैंग के नाम सामने आ रहे हैं, कभी अलग गैंग है तो या इसी मॉडल इसी किसी से और उन्होंने गाड़ी को हिट नहीं किया। जब उनकी गाड़ी के पीछे पहले जो मानू और रूपा थे वो एक अलग एक वहाँ कैनाल रोड है मानसा में, इनको था कि कैनाल रोड लेंगे वो थार के साथ, लेकिन वो उस रोड से जब नहीं गए तो इन्होंने फटाफट गाड़ी को यू टर्न किया, करोला को दोबारा से इन्होंने पीछे लगाई, बलैरो को ओवरटेक किया, थार को ओवरटेक किया करोला ने, और ओवरटेक करते करते मनप्रीत मानू ने AK-47 से बर्स्ट फायर किया। उसके बाद करोला आगे रुक गई, इन्होंने देखा कि थार रुक गई है, गोलियां लग गई हैं, टायर भी बर्स्ट हो गया था, और बलैरो क्योंकि टेल कर रही थी तो बलैरो भी जाके थार के आगे रुकी, क्योंकि ये बड़ा एक नेचुरल सी बात थी कि जो फायरिंग हो रही है तो एक साइड से फायरिंग करेंगे, नहीं तो आपस की फायरिंग दोनों को एक दूसरे को ही लगेगी। तो जब इनकी थार सुखदीप की रुक गई और इनके गोली लग गई तो बलैरो ने भी थार को ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक करने से इन्होंने सारों ने एक साइड से फायरिंग करी, सबसे पहले मानू उतरा, चारों लोग बलैरो से उतरे, रूपा ने करोला यू टर्न करी, यू टर्न करते हुए जो करोला का एक दरवाज़ा था वो बलैरो के साथ टकराया, जिसकी वजह से जब ये मौके से भाग रहे थे तो इनकी गाड़ी का दरवाज़ा भी बंद नहीं हो पाया था। उसका वजह यही थी कि जब वो यू टर्न कर रहा था तो बलैरो की एक साइड और करोला की एक साइड आपस में टकरा गए थे और रूपा एंड में उतरा, क्योंकि पहले गाड़ी उसने यू टर्न करी, यू टर्न के बाद उतर के उसने फायरिंग करी। माना जाए कि इस में स्लीपर सेल तो नहीं है, एक्टिव क्रिमिनल है, कोई फरारी काट रहा है, मतलब स्लीपर सेल तो देखिए अब कोई बहुत ही डॉर्मेंट है उसको बोल सकते हैं, तो एक्टिव है ये तो हर महीने और कई बार इन्होंने मल्टीपल वारदात कर रखी है, तो स्लीपर तो नहीं बोल सकते। वो हम जो शेयर कर सकते हैं मैं जैसे हम आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शेयर कर देंगे।